पथरी बना के बॉडी ने आपको बचा लिया। कोई भी गांठ, पथरी, रसौली आपको मरने से बचाने के लिए बनती है। एक तरीका सिखा रहा हूँ, सबका सर दर्द ठीक हो जाएगा। इस जन्म में जब तक जियोगे ना कभी सिर दुखेगा ना कभी डिप्रेशन होगा। जिसको भी यहाँ दबाने से दर्द हो रहा है मतलब उसको अच्छा। डॉक्टर साहब एक सवाल हो रही है, पथरी बार बार क्यों हो जाती है? पथरी देखो, पथरी क्यों हो जाती है? पथरी हो रही है तो भगवान को धन्यवाद दो, आपकी किडनी फेल नहीं हुई। पथरी बना के बॉडी ने आपको बचा लिया, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन घूम रहे थे, वो किडनी फेल करते, बॉडी ने वो कचरा किडनी में ही पत्थर बना के उसको इकट्ठा कर लिया। कोई भी गांठ बनती है शरीर में, कोई भी गांठ, पथरी, रसौली आपको मरने से बचाने के लिए बनती है। मतलब शरीर इतना सयाना है, ये जो हमारा शरीर है ये स्वयं भगवान का अवतार है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संतान बताया, सामवेद में भगवान ने बताया कि जब दुनिया बनाई मैंने तो मैंने मेरी छवि का निर्माण किया, यानी कि हम कौन है? भगवान की छवि। छवि मतलब कॉपी। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं कि जब मैंने दुनिया बनाई, समुद्र बनाए, चंद्रमा बनाया, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, तो मैंने सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया मानव, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो सर्वश्रेष्ठ वाला हमारी बॉडी में जान भी होगी, तो हमारी बॉडी सयानी है। हमारी बॉडी में अगर पथरी बनती है, कोई गांठ बनती है, कोई रसौली बनती है, तो डरो मत, बॉडी ने आपको मरने से बचा लिया, क्योंकि वो बॉडी में कचरा घूम रहा था, तो बॉडी ने उसको इकट्ठा करा, एक जगह पे लॉक कर दिया कि बॉडी में घूम मत, कहीं ब्रेन में चला गया तो, कहीं हार्ट में चला गया तो आप मर सकते हो। इसीलिए बॉडी ब्रेन और हार्ट को बचाती है पहले। तो पथरी अगर बन जाए तो कासनी, मकोए और पुनर्वा का काढ़ा पियो, पत्थर चट के साथ मिला के पथरी निकल जाती है। बहुत सुंदर। वो पीछे की बहन कुछ बात करना चाहेगी। फास्ट बोलो बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। बोले मेरा सर में इतना दर्द क्यों रहता है? क्यों रहता है? शादी हो गई? हाँ। शादी के बाद शुरू हुआ पहले से? नहीं, 4-5 साल पहले से। मतलब शादी पे इल्जाम नहीं डालना आपने? नहीं, शादी के पहले से दर्द था? हाँ, 4-5 साल पहले से। नहीं, शादी कभी पहले ये बताओ? 9 महीना पहले। अभी हुई है? हाँ, मतलब शादी के पहले से था। अब मुझे बताओ कितने लोगों को सिर दर्द होता है यहाँ पे? कितने लोगों का सिर दर्द है? चलो एक तरीका सिखा रहा हूँ, सबका सर दर्द ठीक हो जाएगा, पूरे भारत का। डॉक्टर दिखाया, आपको अभी सिखा रहा हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ, आप करो क्या, सुनो, राइट को बंद कर लो, राइट को करो, सब लोग राइट को बंद कर लो, राइट को, और लेफ्ट से सांस ले लिया। अब लेफ्ट से ही छोड़नी है, फिर लेफ्ट से सांस लो, फिर लेफ्ट से छोड़ो। 10 दिन लगातार खाली पेट कर लो, लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, और जब सिर दर्द हो 2 मिनट कर लो, उसी टाइम सिर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई दवाई नहीं खानी जब भी सिर दुखे, लेकिन पहले 10 दिन करके बॉडी को सेटल कर लो। और एक तरीका सिखा देता हूं, कभी सर दर्द नहीं होगा। ऐसे करो, अपने हाथ को ऐसे करो, सब लोग ये वाली उंगली पकड़ो, ये वाली जो अंगूठी पहनते हैं, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, जिसमें माता जी जिसमें अंगूठी पहनते हैं, इसको दबाओ, बोलो धरती, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं, ये 5ों मेरे हाथों में विद्यमान है, इन 5ों को रोज बैलेंस करो। धरती, जल, इसको दबाओ, दबाओ, एक्यूप्रेशर करो, एक्यूप्रेशर, फिर अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं, 5 बार इस हाथ में करना है, 5 बार इस हाथ में करना है, सुबह सुबह खाली पेट। आपको ना सिर दुखेगा, बढ़िया नींद आएगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन करना कैसे है वो सुन लो, दोबारा बोलो, इसको पकड़ो, इसका मंत्र बोलो, अब लम अगली पकड़ो, वम अंगूठा पकड़ो, रम यम पूरा लंबा चल रहा है, जितना लंबा चल सकते हो, फिर पकड़ो बड़ी उंगली, हम
अब यहां से पकड़ो, यहां से बीच में से, अब बोलो ओ। ये पांच बार इस हाथ में करो, पांच बार इस हाथ में करो। इस जन्म में जब तक जियोगे ना कभी सिर दुखेगा, ना कभी डिप्रेशन होगा, ना कभी तनाव आएगा, ना कभी नींद में बुरे सपने आएंगे, ना रात को बार बार दिमाग चलेगा। रोज करो प्रैक्टिस, पांचों तत्वों को बैलेंस करो और इसको दबाना है, ओम बोलना है। और किसी महिला या पुरुष को इसको दबाने से दर्द हो रहा है क्या? दबाओ जरा, देखो किसी को दर्द हो रहा है, हाथ उठाओ जरा, इधर आओ। जिसको भी यहां दबाने से दर्द हो रहा है मतलब उसको धरन पड़ी हुई है। अगर ये दबाएं और दर्द हो रहा है तो मतलब धरन पड़ी हुई है। धरन मतलब नाभि सरकी हुई है। अच्छा, तो उसको भी निकालने का तरीका सिखा देता हूं। जिसको भी धरन पड़ी होगी, खाना हजम नहीं होगा ढंग से, पानी भी हजम नहीं होगा, मतलब तो, पोटी भी साफ नहीं होगी, तो नाभि सरकी हुई है, तो नाभि खिसक के पेट की तरफ चले जाती है क्या? ऐसे सूत भर हिलती है, सूत भर मतलब मिलीमीटर में। अच्छा, मतलब नाड़ी हल्की सी सरकती है। इनको पता है धरन क्या होती है? पूछो इनसे, पूछना धरन क्या होती है इनको। तो आपकी भी खिसकी है नाभि क्या? फूल गई तुमने खाना? वो जो नाभि तो फूलती है उसको हर्निया बोलते हैं। अगर नाभि फूल जाए तो वो हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया, मतलब आंत बाहर आ रही है। रात को खाया मत करो, जो रात को खाते हैं ज्यादा उनकी नाभि बाहर आ जाती है। तो नाभि कैसे? वो फूला हुआ फूल जाती है, वो अंडा बन जाता है वो। हाँ, उसका नाम ही है खाना और आप उसको खाते हो। तो किसकी किसकी नाभि सरकी हुई है? हाथ ऐसे करके दबा के देखो, दबा के देखो ऐसे, यहां से दबाओ, यहां से। तो दर्द तो यहां दबाने में, तो यहां दबाने से ज्यादा दर्द होना चाहिए, ऐसे वाला, ऐसे। अच्छा, ऐसे ऐसे वाला दर्द होना चाहिए। किसी को हो रहा है? आपको हो रहा है? तो ऐसे दबाने से बहुत भयंकर। अच्छा, नाभि खिसकी हो तो फिर क्या करें? निकल जाएगी, सिखा देता हूँ ना कैसे उतरेगी। तो खिसकी वाले आओ, कहाँ है तुम्हारी खिसकी है? जिसकी नाभि खिसकी है वो इधर आओ एक बार। अब देखो पहले नाभि सरकी हो पता कैसे चलता है, जिसकी नाभि सरकी हो पता कैसे चलता है। देखो इनके मुंह को देखो, यहाँ पे दबाओ आप, इनका चेहरा देखो आप, चेहरा देखो, चेहरा ये देखो। इतना दर्द होगा तो समझो नाभि सरकी हुई है। तो एक तरीका ये चेक करने का, एक तरीका है दोनों बड़ी रेखाओं को मिलाओ आपस में ऐसे, तो आगे की सारी रेखाएं मिलनी चाहिए। अगर रेखाएं आगे पीछे हैं तो मतलब धरन पड़ी हुई है, धरन मतलब नाभि सरकी हुई है। अगर नाभि सरकी है तो करना क्या है? सीधे खड़े हो जाओ, सीधे सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो। अब इसको इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इसको देखो, ढीला छोड़ो हाथ को, ढीला ढीला छोड़ो, ढीला सामने देखो, सामने ढीला छोड़ो, ढीला ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, छोड़ दो इसको ढीला। हाँ, अब उधर देखो सामने। अब यहां पे ये उंगलियों को ऐसे पकड़ो, उंगलियों को ऐसे बनाना है, और यहां पे जो नस है इसको पकड़ लो ऐसे, सही ना? सामने देखो आप, ढीला छोड़ो, ये देखो मैंने बोला ढीला, आप हाथ भूल जाओ, आपका हाथ नहीं है, आपको मैं छोड़ूंगा, नीचे गिर जाना चाहिए, ये देखो। हाँ छोड़, आप सामने देखो ना, आपको इधर क्या देखना है, ये आपको देख रहे हैं, उधर देखो सामने, ये देखो ये नस है यहां पे, इस नस को ऐसे पकड़ो, सामने देखो आप, इसको ऐसे खींचो, वन टू और थ्री, तीन बार करना है इस हाथ से, तीन बार करना है इस हाथ से, तीन चार दिन करोगे धरन ठीक हो जाएगी। बड़ी आसान है, जिसको भी धरन पड़ती है उसको गैस बनती है, उसका पेट साफ नहीं होता, उसको कब्जी रहती है, उसको तेजाब बनेगा, उसको पानी भी हजम नहीं होगा, और उसको पानी भी घी का काम करेगा। कई लड़कियां बोलती हैं हम कुछ नहीं खाती तो भी मोटी होती हैं, मैं कुछ कम खाती हूँ तो भी वजन बढ़ता है, तो मतलब धरन पड़ी हो सकती है उनको, तो धरन निकाल देंगे ठीक हो जाएगा। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें, अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें।